नहीं, हमने ये नहीं लिखा, हमने ये लिखा था कि लगातार जो सोशल मीडिया पे भ्रम फैला रही है, बीएपी और बीएपी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो लगातार सरकार का नाम लेकर, संगठन का नाम लेकर, मन्नालाल रावत का नाम लेकर, माननीय बाबूलाल जी खराड़ी मंत्री जी का नाम लेकर ये कह रहे थे कि ये आदमखोर ले पड़े, उन्होंने तो नहीं छोड़ा। इसका जवाब ये है कि ये खुद बताएं कि ये भ्रम फैलाने की आवश्यकता क्या पड़ी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तरह के प्रकरण में ये लोग शामिल हैं, ऐसा करके एक प्रश्न पूछा था। और प्रश्न उन लोगों से पूछा है जो जिम्मेदार हैं, उनसे पूछा जो जानते हैं, उनसे पूछा जो आम जनता है, अगर उनके पास कोई सूत्र मिले तो। प्रश्न पूछना हमारा अपना एक मूलभूत अधिकार है, और इस तरह का कोई भ्रम फैलाता है तो निश्चित रूप से पूछना है ताकि समाज के सामने सत्य आए। देखिए, भ्रम फैलाने वाले लोगों का हम क्या जवाब दें, वो तो लगातार भ्रम ही फैला रहे हैं, वो शुरू से ही भ्रम फैला रहे हैं। वो कभी सनातन को लेकर बात करते हैं, कभी जनजातियों के अधिकार मिलने की बात है उसको माइनॉरिटी के देने की बात करते हैं, कभी महामहिम राष्ट्रपति जी का जब चुनाव होता है तो वो आदिवासी बेटी को वोट नहीं देते हैं, कभी वो ये युवाओं को भड़का के पत्थरबाज बनाते हैं, कभी वो काकरी डुंगरी का कांड करते हैं, और अशोक गहलोत सरकार के दौरान जब गोलीबारी होती है उसमें दो युवाओं की जान चली जाती है, उसकी जिम्मेदार भी यही लोग हैं। तो ये तो लगातार भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, इनके बारे में हम क्या कहें, ये तो झूठ है, और ये झूठ समाज के सामने, क्षेत्र के सामने और लगातार आती चली जा रही है, और समाज मुखर है इस बात को लेकर कि ये इतना बड़ा झूठ क्यों फैला रहे हैं, आखिर ये किसके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि पूरे क्षेत्र में सनातन धर्म संस्कृति परंपरा के लोग रहते हैं, निवास करते हैं, तो उनको लेकर इनको अपशब्द कहने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आ रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि 98% लोगों के लिए नहीं बल्कि ये 2% लोगों के लिए काम करते हैं। वो बात जब आ रही है तो मुझे लगता है कि स्पष्टता समाज के सामने आ रही है।